सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो सूतक काल लग रहा है, ग्रहण लग चुका है, सुबह इतने बजे से शुरू हुआ है ग्रहण। आप भी देख सकते हैं भारत में सूतक काल लगेगा या नहीं। ज्योतिष गणना में सुबह 6 बजे से ग्रहण शुरू हुआ है, 10:17 तक रहेगा, 5:04 तक ये ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण मीन राशि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लगा है। ब्रह्मांड में घटित होने वाले इस खगोलीय घटना से पूरी दुनिया प्रभावित होगी, लेकिन भारत में इसका असर कम देखने को मिलेगा क्योंकि कई शहरों में ग्रहण नहीं दिख रहा। 18 सितंबर चंद्रग्रहण प्रतिपदा तिथि यानी पहले श्राद्ध पर लग रहा है ग्रहण। ज्योतिष गणना के अनुसार सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका है, 5 घंटे तक रहेगा। ध्यान रहे कि 9 घंटे पहले सूतक लगता है, लेकिन भारत में ग्रहण नहीं दिख रहा आज 18 सितंबर को। इस वजह से सूतक मान्य नहीं होगा। गर्भवती महिला को किसी प्रकार की सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है। 10:17 के बाद सामान्य सा दिन होगा, कोई ग्रहण इसमें नहीं लगा रहेगा। चंद्र ग्रहण 6 बजे से 10:17 तक है, हालांकि दिन होने की वजह से ये ग्रहण नहीं दिख रहा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगता है तो शुभ कार्य नहीं होते, इस अवधि में किए गए कार्य सिद्ध नहीं होते, विवाह मुंडन कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, गृह प्रवेश भी नहीं किए जाते। चार राशियों पर बुरा असर पड़ेगा। जी हाँ, ग्रहण मीन राशि में लगेगा, इस वजह से चार राशियों पर इसका बुरा प्रभाव होने वाला है। इस ग्रहण में बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। मेष, सिंह, मकर और मीन राशि वालों के नौकरी व्यापार में हानि हो सकती है, धन की आवक घट सकती है, कार्यस्थल पर लोगों से अनबन हो जाएगा, रिश्तों में मनमुटाव होने की संभावना बनी है। रोगों से सावधान रहिए, सेहत संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आप ये काम आज जरूर कर लीजिएगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्र ग्रहण के दौरान सिर्फ भगवान के मंत्रों का जप किया जाता है, पूजा नहीं की जाती, दिया नहीं जलाया जाता। तो 10 गुना फल प्राप्त करना है तो सिर्फ भगवान के मंत्रों का जाप आप करेंगे। चंद्र ग्रहण के बाद शुद्ध जल से स्नान कर लीजिएगा, गरीबों को दान भी दे दीजिएगा। 10:17 के बाद गर्भवती महिला ही कमरे से बाहर निकले। चंद्र ग्रहण के बाद पूरे घर को शुद्ध करिएगा, गंगा जल छिड़काव करिएगा, पक्षियों को अन्न, गाय को घास, ये चीजें दीजिएगा, कई गुना फल प्राप्त होता है। हालांकि 18 सितंबर एक उपछाया चंद्र ग्रहण है, दिन होने की वजह से ये दिखेगा नहीं। बाकी अगर आप सुरक्षा रखना चाहती हैं, अगर आप सावधानी बरतना चाहती हैं, तो नुकीली चीजों का इस्तेमाल ना करिएगा। आज सूर्य ग्रहण नहीं लग रहा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्या आज चंद्र ग्रहण है, क्या आज सूर्य ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण 10:17 तक रहेगा, उसके बाद 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है। सो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। कंफ्यूजन मत रखिए, आप अपना कार्य, अपनी दिनचर्या पहले के हिसाब से, पहले जैसे रख सकती हैं, कर सकती हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।